हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल इंडियन किचन मास्टर में। तो आज हम बनाएंगे बूंदी का लड्डू। तो इसे बनाने के लिए हम एक मिक्सी में चना दाल को डाल के उसे अच्छे से पीस लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा दाल कितने अच्छे से पीस चुका है। अब हम एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसके बाद हमने जो मिक्सचर बनाया है उसके छोटे छोटे बॉल्स इसमें डालेंगे। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक ये सुनहरे रंग का ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमारा ये मिक्सचर सुनहरे रंग का हो चुका है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब हमने जो इस मिक्सचर का पकौड़ा बनाया है उसे एक मिक्सी में डाल के अच्छे तरीके से पीस लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से पीस चुका है। अब एक कढ़ाई में इस पीसे हुए पकौड़े को डाल देते हैं और इसे भूनते हैं। इसे भी तब तक भूने जब तक ये सुनहरे रंग का ना हो जाए। जब तक ये भून रहा है तब तक हम चाशनी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम 3 कप चीनी और 2 कप पानी ऐड कर लेते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर और थोड़ा सा इलायची पाउडर। इसे भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे और उबलने देंगे। अब हमने जो मिक्सचर बनाया था उसे इस चाशनी में ऐड कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये मिक्सचर अच्छे से सारी चाशनी को ना सोख ले। आप देख सकते हैं कि इसने सारी चाशनी को सोख लिया है। तो अब हम चलते हैं लड्डू बनाने की ओर। जब तक लड्डू बन रहा है तब तक आप हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस फैमिली मेंबर का हिस्सा बने। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और रेसिपी के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप देख सकते हैं कि हमारा लड्डू कितने अच्छे से बन चुका है। अब हम इसे खाने जा रहे हैं। आप भी इंजॉय करें।